हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। पिछले कुछ वर्षों में नेशनल मुद्दों पर बहुत सी फिल्में आई हैं, जिससे टॉयलेट एक प्रेम कथा, मिशन मंगल, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 15, अब राम मंदिर के मुद्दे पर फिल्म बन रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने जा रही हैं। फिल्म का नाम होगा अपराजिता अयोध्या। बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए कंगना ने इस खबर को कंफर्म किया है। बस एक पेज है कि कंगना इस फिल्म में स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि बतौर फिल्म मेकर मैं अपना फोकस पूरी तरह रखना चाहती हूँ। मेरे लिए ये एक विवादास्पद मुद्दा नहीं है, मैं इसे एक प्रेम, श्रद्धा, एकता और सबसे ज़्यादा दिव्यता की कहानी के रूप में देखती हूँ। इससे पहले कंगना ने मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी फिल्म को डायरेक्टर राधाकृष्ण जगरलामुड़ी के साथ मिलकर को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को लिखा था केवी विजेंद्र प्रसाद ने, जिन्होंने डायरेक्टर एसएस राजामौली की बाहुबली सीरीज की स्टोरी भी लिखी थी। अपराजिता अयोध्या की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी है। कंगना के दिमाग में डायरेक्शन का विचार कैसे आया, जब ये सवाल पूछा गया तो इस पर उनका कहना था कि प्लान में कहीं ये नहीं था कि मैं फिल्म को डायरेक्ट करूंगी। मैंने इसकी शुरुआत एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरह की जिस पर मैंने कॉन्सेप्ट लेवल से काम किया। मैं इसे प्रोड्यूस करना चाहती थी और किसी दूसरे डायरेक्टर को इसके लिए बुलाना चाहती थी। उस समय मैं इतनी व्यस्त थी कि डायरेक्शन का सोचना भी मुमकिन नहीं था। हालांकि जो स्क्रिप्ट केवी विजेंद्र प्रसाद ने शेयर की वो एक बहुत बड़े कैनवस की फिल्म थी, कुछ वैसी ही जैसी ऐतिहासिक फिल्म मैं पहले डायरेक्ट कर चुकी हूँ। मेरे साथ कोलैबोरेट करने वाले पार्टनर भी इच्छुक थे कि मैं इसे डायरेक्ट करूँ। आखिरकार मुझे भी लगा कि यही अच्छा होगा कि फिल्म मेरी देखरेख में बने, इसलिए ये सब अपने आप ही होता गया। कंगना ने कहा कि फिल्म डायरेक्ट करने में उन्हें कोई घबराहट नहीं हो रही। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपको किसी दूसरे का विजन आगे लेकर चलना होता है और उसमें कहीं अपना विजन ढूंढना होता है। इस केस में मैंने फिल्म पर सिरे से काम किया है और जब आपको अपनी सोच में स्पष्टता हो तो ये सरल और मज़ेदार होता है। कंगना द डायरेक्टर की बात तो हमने आपको बता दी, अब कंगना द एक्टर की अगर बात करें तो आपने लास्ट बार उनको फिल्म पंगा में देखा था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई, इवन फिल्म की भी बहुत तारीफ हुई थी। OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है ये फिल्म, आप देख सकते हैं। फिलहाल वो तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक में काम कर रही हैं, जिसका नाम है थलाइवी। ये खबर यहीं तक, देखने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर अपनी राय रखें। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।